आज के दिन आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए, जो कर्नाटक में बहुत बड़ी नाम बनाने वाले यहाँ हमारे शाहपुर तालुका सगर के बगल में जो महल रोज बोल के आता है, महल रोज में रहने वाले परम पूज्य मल्लिकार्जुन अप्पा जी, इन्होंने इनके पास जो भी जाता है उनको सही नेक रास्ता सही रास्ता दिखाने वाले, कोई कुछ तो लोगों को तकलीफ है तो वो दूर करने वाला एक महान पुरुष माना जाता है। और जो महान व्यक्ति माना पुरुष स्वामी जी हैं, आजकल कर्नाटक एक ही नहीं, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, ऐसे हमारे देश से कहीं से ज़्यादा वहाँ से भक्त लोग आते हैं। सबको उन्होंने, हर लोगों को, जैसे कि हिंदू मुस्लिम भाविक एक स्थान है, वो वहाँ पर राजा बक्सार का मस्जिद है और हमारा जो स्वामी जी का मंदिर है, मठ है, वहाँ पर सब लोग, सब जाति के, सब धर्म के लोगों को उन्होंने रास्ता बताते, जो परेशान में है उनको सही रास्ता दिखाते। ऐसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आके उनको मिलते, उनका जो वाणी है वो सुन के जाते। ऐसे एक महान तपस्वी परम पूज्य मल्लिकार्जुन अप्पा जी, जिनका जन्मदिन 16 तारीख के दिन गुलबर्गा शहर में एक बड़ी फंक्शंस, वहाँ पर उनके जो भक्त लोग हैं सब लोग आएंगे, और जो हमारा वीर शैव कल्याण मंडप वहाँ पर एक फंक्शन रेडी किया गया है, वहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। और उनके हाथ से जो स्वामी जी हैं उनके हाथ से वहाँ पर जो हमारे वो कार्यक्रम का उद्घाटन गुलबर्गा उस्तुवारी मिनिस्टर प्रियंका खरगे जी और शरण प्रकाश पाटिल जी करेंगे। और उस कार्यक्रम में जो हमारे सब गुलबर्गा जिले के MLA जो है सब लोग वहाँ पर उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, सबको हम बुलाए। और जो दर्शनापुर मिनिस्टर उनको भी उस कार्यक्रम में हमने बुलाया, और रायचूर का सांसद जी कुमार नाइक उनको भी हमने बुलाया, और उसमें एक विशेष सम्मान के आयोजन किया है। जो गुलबर्गा MP राधाकृष्ण दुडमनी और बाकी के हमारे जो एक नया हुद्दा लिए, नया पोजीशन पे आए सो जो लोग है, अब राधाकृष्ण दुडमनी और रायचूर का MP, उनको एक विशेष सम्मान। और ऐसे ही उनके साथ में जो MLC है तिप्पणप्पा कमकनूर, जगदेव गुत्तेदार, माला बी नारायण राव और हमारे मजर आलम खान, ऐसे जो पोजीशन में आए सब लोगों को, देवेंद्रप्पा मरतूर, सब लोगों को हमने उस कार्यक्रम में एक विशेष सम्मान का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में हमारे गुलबर्गा शहर के और जिले के बहुत सारे जो मल्लिकार्जुन परम पूज्य अप्पा जी हैं, जिनके भक्त लोग, बहुत सारे जो भक्त लोग हैं वहाँ पर सब जने आके इस कार्यक्रम यशस्वी करना, इस कार्यक्रम सक्सेस करना बोल के आपके सामने बोल रहे हैं। हम आपके सामने आए, हमारे जो कर्नाटक NEKSRTC का माजी अध्यक्ष भीमण्णा साली साहब भी हमारे साथ में आए, और हमारे जो कोषाध्यक्ष पिंटू जमादार, मल्लू गुड़बा, रामलिंग नाटिकार शिवधनी, रामलिंग नम अंबाराय जवळगा और सतीश जमादार, वैजनाथ कट्टाई, हमारे शाहपुर के भीमा शंकर, ऐसे सब जो हमारे यल्लप्पा यादव, बाबू वजापुर, देवेंद्र जमादार और हमारे साथ में सब लोग, हम सब मिलके इस कार्यक्रम का आह्वान करने के लिए आपके सामने आए। धन्यवाद। कार्यक्रम नम ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸದರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಇವರು BR ಪಾಟೀಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಕನಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು, ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಿಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕಡಿಯವರು ಇವತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಏನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅವರನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ತಳವರ ಸಾಹೇಬಣ್ಣವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸಹ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕರೆಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ।